हमारे घर बहुत ही स्पेशल गेस्ट की इफ्तारी है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। यहाँ पे अब बिलाल भी आ गया मेहरू की हेल्प करने के लिए। वो लोग बहुत लेट हो गए हैं, रोजा लगता है उनका बाहर ही खुल जाएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जैसे कि सबको पता है कि रात को थी लैलतुल कदर एंड आज 27वीं का रोज़ा है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज 27वीं की अफ्तारी है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक डिफरेंट किस्म के अफ्तारी का सीन हो रहा है। यहाँ पे लगता है कोई आ रहा है हमारे घर। मेहरू यहाँ पे डेकोर कर रही है। मेहरू क्या करना चाह रही हो यहाँ पे है? लाइट्स ऑन करनी थी, अंदर मैंने सेल डाला नहीं और लगा दिया है। तो आज का व्लॉग मैं बहुत ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ, बट इट्स ओके। तो अभी का व्लॉग हम यही से स्टार्ट करते हैं एंड मैं दिखाती हूँ कि आज हमारे डाइनिंग रूम में कुछ डिफरेंट ही है, लाइक बहुत डिफरेंट डेकोर है आज तो, है ना? ये मेरी ऐसी आनी चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, तो मैं तो बुरी बात चुप। तो गाइस, जैसे कि हम लोग हर साल रमज़ान को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, लाइक खुशियों के साथ, यू नो, कि रमज़ान स्टार्ट होता है तो हम लोग बहुत ही खुशियों के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब रमज़ान एंड होने वाला होता है तो उसको वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज 27वीं का रोज़ा है तो हम लोगों ने कहा वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम लोग रमज़ान का स्टार्ट करते हैं। तो अब इट्स टाइम टू, यू नो, से अलविदा। लास्ट कुछ रोज़े रह गए हैं, ठीक है, फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएगा एंड ईद आ जाएगी। तो इस वजह से अच्छे से आज रमज़ान को बाय बोलने के लिए, अनटिल नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगले साल तक के लिए, हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग अच्छे से इफ्तार करते हैं। एंड मामा अभी किचन में ही हैं और ये लड़की के काम चेक करो किधर चढ़ी हुई है। चलो यहाँ पे अब बिलाल भी आ गया मेहरू की हेल्प करने के लिए। मेहरू आपसे कोई काम अकेले नहीं होता, जल्दी से इसको साइड पे कर दो ताकि मैं पूरा दिखा सकूं। वो वाली को भी उठाओ यार, वहां देखो, वो तो गंद भैया। तो गाइस, रोज़ा अफ्तार होने में लाइक कुछ ही मिनट रह गए हैं एंड यहाँ पे इन लोगों की अभी सेटिंग हो रही है। मामा भी अभी कर रही है सेटिंग एंड बिलाल भी है। पकौड़ का काम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे पकौड़े निकाल रहे हैं। सीजर अंदर ही है, चलो ये पेपर वाली सीजर में। चलो कोई बात, टाइम बहुत थोड़ा रह गया एंड जल्दी जल्दी काम करने हैं। चलो चलो, गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे घर कौन स्पेशल गेस्ट आ रहा है। सो आज हमारे घर बहुत ही स्पेशल गेस्ट की इफ्तारी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो हम लोगों के लिए एंड वो हम खुद ही हैं। सो ये सारा जितना भी अरेंजमेंट है ये सब हमने अपने लिए खुद ही की है। गाइस ये रहा इन तीनों का आज का फुल लुक। और
जी माशाल्लाह। एंड ये रही मैं, अब पता नहीं हम नजर आ रहे कि नहीं, बट ये रहे हम तीनों, हम चारों। एंड आज कौन स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं आप लोगों के घर? तो फाइनली फाइनली यहाँ पे मामा भी आ गए। मामा गेस्ट लेट हो गए हैं, है ना? वो लोग बहुत लेट हो गए हैं, रोजा लगता है उनका बाहर ही खुल जाएगा, है ना? आप लोग आ जाओ आप जल्दी जल्दी। ये बिलाल और बिलाल की सेटिंग। और बिलाल यहाँ पे सबको दूध छोटा डाल के दे रहा है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, अब इफ्तारी करते हैं, है ना मुस्कान? बहुत भूख लग रही है। वैसे होता ही है, जैसे जैसे पीछे कम रोज़े रह जाते हैं आपको इतना रोज़ा लगता नहीं है, क्योंकि आपको एक आदत हो जाती है ना। एंड फिर जब ईद होती है आपको बिल्कुल ही नहीं खाने का कुछ दिल करता, क्योंकि आपकी रूटीन एक बन गई होती है। एंड कौन कौन रमज़ान को मिस करेगा? सारा भी करेंगे, फजीलतें सब मिस करेंगे। सबसे ज्यादा हम लोग जो मिस करेंगे वो ये चीज है। इस महीने को नबियों ने, पैगंबरों ने दुआएं की हैं, या अल्लाह हमारी जिंदगी में ये माह रमजान आए। ये वो माह रमजान है जिसका अजर जो है वो मेरे खुदा ने देना है। जी जी बेशक, दुआ करो अल्लाह पाक इसका अजर जो है ना बहुत ज्यादा अल्लाह पाक देता है। आमीन आमीन। तो बाबा मामा नमाज पढ़ने गए हैं और अब हमारी भी तैयारी है, जल्दी खाओ। अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया मुस्कान। तो मामा इधर नमाज पढ़ के आ गई हैं और ये चेक अभी नमाज आसान वो भी है, टाइम पर आराम से पढ़नी चाहिए। सर फ्रूट चाट डाल दूंगी, हाथ दो भी है। तो गाइस डन विद अफ्तारी एंड हमने नमाज भी पढ़ ली। आपने पढ़ लिया? यस। तो हम दोनों ने नमाज पढ़ ली है, मैं और बिलाल अभी पढ़ रहे हैं, मामा और बाबा ने तो पहले ही पढ़ ली थी। तो चलो अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। आज 27वीं की अफ्तारी थी तो बहुत ही मज़ा आया हमें, तो बहुत मज़ा आया। तुझे मज़ा आया? हाँ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाइस यहाँ पे ये लोग सारे नमाज पढ़ के फिर से डाइनिंग टेबल पे आके बैठी, कितना खाओगे यार? नहीं उस टाइम सिर्फ हल्का फुल्का खा के तो चले जाता है क्योंकि नमाज का टाइम थोड़ा। हाँ जी, तो उसके बाद फिर आके फिर दोबारा खाया जाता। तभी तो अगर ये खाने बैठ जाएंगे तो फिर नमाज कौन पढ़ेगा? ये भी है, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है। तो मामा आपके कैसे रोजे गए हैं अब तक? माशाल्लाह बहुत अच्छे गए हैं रोजे। एंड आप सबके कैसे गए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गए। एंड मेरे तो सबको ही पता बहुत अच्छे गए हैं, फुल एनर्जी के साथ मैं व्लॉग्स बनाती रही हूँ, सो मेरा तो आइडिया हो ही गया कितने अच्छे गए हैं। इन सब के भी बहुत अच्छे गए हैं। एंड मामा आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? जैसे कि अभी रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ईद आने वाली है, तो आप मिस करेंगी रमज़ान को? हाँ रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तुम लोग मिस करोगे ऐसी गैदरिंग? असल में ना रमज़ान का महीना जो है वो अपने साथ रहमतें बरकतें लेके आता है, तो जब हम उसका वेलकम इतने अच्छे तरीके से करते हैं, खुशी खुशी तैयारियां करते हैं,
इस तरह जब रमजान जाने लगता है तो उसको अलविदा कहते भी हमें खुशी के साथ अलविदा करना चाहिए। हाँ जी, इसलिए कि एक तो वो हमें जो है वो गिफ्ट दे के जा रहा है ईद का, ये तो है ईद गिफ्ट मिलती है हमें, हमें गिफ्ट मिलता है। दूसरा ये है कि इसको खुशी खुशी अलविदा करें ताकि अगले साल फिर इसी तरह अपनी खुशियों और रहमतों बरकतों और फजीलतों के साथ हमारी जिंदगी में आए ये रमजान और हम सबको उसकी रहमतें समेटने का मौका मिले। आमीन आमीन। इसलिए रमजान के महीने में क्या हमेशा हम लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत सलूक इत्तेफाक से रहना चाहिए। आमीन। सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, किसी का दिल ना दुखाओ, अल्लाह सबको तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। दीदी आप कुछ कहना चाहोगी? पीछे वाली महलूकों से पूछते हैं इनकी ईद की शॉपिंग हुई है कि नहीं, जो कि मुझे तो पता है आप लोगों की ईद शॉपिंग हो गई है कि नहीं, किस किस की ईद शॉपिंग रहती है, मेरी तरह किसकी ईद शॉपिंग हो गई है, लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। एंड तुम लोग बताओ, तुम लोगों की ईद शॉपिंग हो गई है? सबकी हो गई है? मैं तो कहती हूँ कब वो दिन आए जब मैरू की ईद ही आए। और कब वो दिन आए जब हम तीनों अपने ससुराल से आए बिलाल की बेगम के हाथ की इफ्तारी करने के लिए। बिलाल कैसा लगा? नमस्कार। आपने कहा था मुझे एक बार कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो यार जितना हम लोगों ने डाइनिंग पे गंद डाला है ना, आप उस वापस समेटने की भी बारी आ गई। सो चलो मुस्कान मामा के लिए उठा रही हैं, आप भी उठ जाओ जल्दी। अच्छा जी बिलाल आ जाओ तुम भी। मुस्कान कहती है पहले मैंने रखा था अब तुम करो, ये भी ठीक है वैसे। चलो अब यहाँ से सब कुछ उठाते हैं। तो गाइस रोज़ा इफ्तार के बाद इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। एंड अभी बस हम लोग यहीं पे ना मुस्कान के रूम में लेट गए, इतना अजीब सा फील कर रहे थे, चेक करो इसको भी। एंड मैं भी यहीं पर लेटी हुई थी एंड अभी मैं रूम पर गई है, मामा अपने रूम में, सारे इधर उधर बस घूम रहे हैं। तो ये जोड़ी किधर जा रही है? तुम दोनों किधर जा रहे हो? किसी दिन ये देख जरा लिपस्टिक हटा रही है। किसी दिन ना हम ना विक्ट्री बस करेंगे वो ब्लॉग में, बोलेंगे नहीं बस विक्ट्री विक्ट्री। इस ये तीनों पता नहीं किधर जा रहे हैं, बिलाल मुस्कान और मामा, मैं मैरू और बाबा घर पे ही हैं, हम लोग मूवी देखते हैं एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, और कोई काम नहीं है आज। ये देखो जरा जा रही है। तो गाइस चेक करो इन लोगों ने यहाँ से लाइट्स ही नहीं ऑफ की। तो आप तीनों किधर जा रहे हो? हैं कहीं किसी के घर। अभी इतने स्पेशल गेस्ट तो आए हुए थे घर में, अब तुम लोग किधर जा रहे हो? हाँ जी मामा ने तो आउटफिट भी चेंज कर लिया, स्पीड पकड़ी है। चलो जाओ जिधर जा रहे हो, हम यहाँ पे मस्ती मूवी देखते हैं। तो दीदी वो लोग तो चले गए हैं, अब बचे हम दो एंड तीसरे बाबा। बाबा मूवी देख रहे हैं तो अब हम क्या करें, बोर हो जाएंगे। नहीं कुरान पढ़ेंगे। चलो ठीक है ये भी सही है, ताक रहते हैं सो इबादत करते हैं हम लोग, टाइम जाया नहीं करते। अल्लाह की याद में गुजर जाए वो बहुत बेहतर है। डन दीदी, अब हम लोग वजू दोबारा से करते हैं एंड कुरान पढ़ते हैं। वैसे तो वजू है, दोबारा तो जरूरत नहीं है ना, खाने के बाद तो नहीं। चलो ठीक है। Hours later. गाइस सीन अभी कुछ ऐसा है कि मैं मैरू के साथ ही सो गई थी, मैरू तो सो गई है, मामा बिलाल और मुस्कान अभी तक नहीं आए एंड पापा भी सोने चले गए एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मैं तो सोच रही हूँ जाके चेंज कर लूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई, लाइक थक की बहुत गई हूँ आज। तो चलो चेंज करते हैं एंड लेट्स सी आगे क्या करते हैं क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि आज सबने सोना ही है, सो स्टे ट्यून्ड। मैंने चेंज कर ली है, वापस चलते हैं दीदी के पास। एंड दीदी अभी तक सो रही है, चेक करो ज़रा। दीदी सो ही रही है अभी भी। तो गाइस मेरी तो सुबह हो गई थी लेकिन मैरू की अब सुबह हुई है। मुझे रिकॉर्ड तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं किया, मैं बहुत अच्छी बची, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैरू ना ये स्कार्फ लेके सोई हुई थी।
होप यू गाइज लाइक माई टूडेज व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आई विल सी यू गाइज इन अनदर व्लॉग, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। था बाय बाय।